हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और आप हमारे चैनल ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी जो है कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से जो है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। तो आइए, आज आपको हम बताने जा रहे हैं SSC के MTS के एलोकेशन के बाद जो सारी चीज़ें हो रही है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। और अभी मैं डिपार्टमेंट्स को लेकर भी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आपको एक एक करके, मोस्टली कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा को कवर किया जाए। सबका तो संभव नहीं है, मैं ओपनली बोल देता हूँ, सभी डिपार्टमेंट्स को कवर नहीं करूँगा। ये मैं आपके सामने ओपन बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, कम से कम 35 मिनिस्ट्री में 60 से मोर डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो इन दैट केस सो मेनी डिफिकल्टीज आई हैव टू फेस। तो ठीक है, जितना हो पाएगा मैं आपको करके दूंगा। और एक बात बता दो कि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं जिसको मैं नहीं पूरा रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं कमेंट्स का एक Q&A वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके कमेंट्स सिर्फ रहें और उसका रिप्लाई मैं दूँ, तो कैसा रहेगा? या वो सेशन लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, जो भी होगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप लोग के कमेंट्स को मैं एक्चुअली पढ़ के, मैं उसको बता के आपको जो है कि रिप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट्स को प्रॉपर रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर लिखें कि आप चाहते हैं ये हो या नहीं हो। जो भी हो आप आइडिया जरूर दें, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। और उसके बाद नॉमिनेशन को लेकर भी बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि कब आएगा कब आएगा। तो मैं नॉमिनेशन के बारे में बस यही बता सकता हूँ कि नॉमिनेशन जल्द से जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, और आज जो है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग को मैं जो उसका सारा चीज है, सारा चीज बताऊंगा, क्या है नहीं है उससे रिलेटेड, जो है कि वर्क नेचर क्या है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या है, सैलरी फैसिलिटी, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को एस्केप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग लगता है पूरा देखते भी नहीं है और उसके बाद जो है कि कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं है वो नहीं। तो बताइए वही चीज़ जो मैं वीडियो में बताता हूँ, और फिर उसको रिप्लाई देना थोड़ा टफ होता है, बिकॉज बहुत सारे रिप्लाई आ जाते हैं, उन सबका रिप्लाई देना पता नहीं चल पाता है। 100 150 200 रिप्लाई को, कमेंट को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर उसको कमेंट्स कीजिए, तो उसका रिप्लाई प्रॉपर मिलेगा। और अदरवाइज आप लोग चाहते हैं रिप्लाई प्रॉपर मिले तो उसका एक Q&A वीडियो जो है, क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाओ, उसके लिए कमेंट्स आप नीचे कर दीजिए, जैसा भी हो और उसका बताइएगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस का इशू, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी GDS का स्ट्राइक चल रहा है ऑल ओवर, मतलब कंट्री में, तो जो है कि क्या प्रॉब्लम होगा जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में। तो जैसा मुझे पता है कि शायद जो है कि स्ट्राइक खत्म होने वाला है, शायद ऐसा कुछ रूल्स आ गया है जिसको लेकर, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आप देख लीजिएगा। वैसे जो भी हो तो आप डिपार्टमेंट से जो है कि टच में रहिए, उनसे संपर्क में रहिए, तो वो आपको जो है कि सभी कुछ बताएंगे। तो चलिए, आज का जो डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा जो है कि ऑफिसेस आता है, बहुत सारा आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, उसका कोर्ट वगैरह बहुत सारा आता है, बहुत सारे विंग्स इसी के अंदर आते हैं। तो चलिए मैं ओवरऑल एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर मैं वीडियो बता देता हूँ कैसे क्या है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, और ये सारा चीज आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर, जो इसका सारा जो है कि वर्किंग जो भी कंट्रोलिंग होता है सभी जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आता है। और आपको बता दें कि ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को इतना ही लगा लीजिए कि जितने भी स्टेट्स होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, डेफिनेटली उस डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक ऑफिस इनकम टैक्स का डेफिनेटली होगा। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज इसके अंदर स्पेशली काम करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं, चलिए इसके वर्क नेचर को समझ लीजिए, क्या काम होता है वगैरह। देखिए स्पेशली काम जो होता है कि वो तो आपको ज़्यादातर जो सुनने में आता है वो जब आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्पैच वर्क दे दिया जाएगा, लेटर उटर तबाल वाल का जो काम करने के लिए दिया जाएगा, जेरोक्स वगैरह का वही है प्रोसेस। या जब जो भी आपके सुपीरियर अथॉरिटी जो अभी आपको मतलब गाइड करेंगे बताएंगे करने के लिए, वो आपको करना होगा। और कभी कभी क्या होता है, जब इनकम टैक्स की रेड होती है, आप लोगों को पता है इनकम टैक्स की रेड होती है, कहीं छापा पड़ता है, तो वहाँ भी जो है कि आप लोग MTS वालों को जो है कि ले जाया जाता है, वहाँ बहुत सारे काम, बहुत सारे वर्क लोग होते हैं, तो उसमें भी वर्क में इनका काम लिया जाता है। कभी कभी
रेड वगैरह में भी इनको जो है कि लिया जाता है, वहां भी आपका काम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काम है, जो भी आपका सुपीरियर अथॉरिटी जो होता है, ऑफिसर जिसके अंदर आप काम करते हैं, वो जो भी काम आपको असाइन करते हैं वो काम आपको करना है। काम कुछ ज्यादा नहीं रहता है, वर्क नेचर बहुत ईजी रहता है, ज्यादा रेस्ट वाला ही वर्क है, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं होगा। आप ऑफिसर नहीं है जो आपको ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, तो बहुत मजे वाली वर्क है। देन डोंट वरी, टाइम आपके पास रहेगा और आप आराम से 9 to 5 जॉब होता है, और आप जो है कि इजीली उसके बाद आप पढ़ाई भी करते हैं, सैटरडे संडे आपका छुट्टी होता है तो आप काम भी कर सकते हैं। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें कि एमटीएस के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा, यानी एमटीएस जो 1-8 है उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा वो टीए का होगा। टीए क्या है? टीए है टैक्स असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन जो है आपका टीए का होगा, जिसमें कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, और आप जो है कि पीरियड का कुछ पता नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल, कोई भी वो ऑफिस के जोन पर डिपेंड करता है, जितना जल्द वो जो है कि कंडक्ट करा ले एग्जाम को। तो नेक्स्ट प्रमोशन टीए है टैक्स असिस्टेंट। उसके बाद है सीनियर टैक्स असिस्टेंट जो 4-2 में आता है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता है जो 4-2, जो इन टैक्स असिस्टेंट को आता है सीनियर टैक्स असिस्टेंट जो 4-2 ग्रेड पे होता है। उसके बाद होता है इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसका एग्जाम आप सीजीएल के थ्रू जो है कि आप जाते हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट होता है जो 4-6 का है, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह बनते हैं 4-8। तब तक आप अगर इसी जॉब में रहेंगे तो आपको रिटायरमेंट रिटायरमेंट जाते जाते ये पोस्ट आपको शायद मिल जाएगी 20 साल 22 साल 25 साल के बाद, कम से कम इतना जो आप जा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है कि जिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट एग्जाम होता है ना, वहाँ जो है कि आपको ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा होती है। डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है कि काफ़ी आपको बूस्ट करेगा किसी भी डिपार्टमेंट में, और जहाँ डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं है तो वहाँ समझिए बहुत स्लो प्रमोशन चांसेस होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत सा बखेरा होता है, रूल्स होता है, जहाँ बहुत समस्या आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो आईटीओ तक आप 4-8 तक इसमें आप जा सकते हैं, और आगे भी है, तो इतना तक आप आराम से जो है कि एमटीएस इतना तक आप जो है कि जा सकते हैं टिल रिटायरमेंट, अगर इसी इसी पोस्ट पर है, अगर कोई एग्जाम नहीं लिखते हैं तब, ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी के बारे में तो बता चुका हूँ, सैलरी लगभग वही रहेगा, XYZ क्लास आपको पता है, सिटीज होती है जहाँ HRA 24%, एक्स सिटी में, वाई सिटी में 16% और जेड सिटी में जो है कि 8% होता है। तो उस हिसाब से मोटा मोटी अगर आप मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी एक्स सिटीज में है तो मोटा मोटी 23 24 या 20 20 के आसपास, यानी 21 22 अराउंड इसके आसपास आपको सैलरी आ जाएगी आराम से। और उसी तरह जो है कि परसेंटेज वाइज जो है कि जैसे से डी आपका जो सिटीज का क्लासिफिकेशन है वो, यानी आप 16% 8% उस तरह से जो है कि वो कम होता जो है कि चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सैलरी होगा। फैसिलिटी वही सब ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आपको मोस्टली सारी फैसिलिटी मिल जाती है, क्वार्टर्स वगैरह मिल जाएगा आपको, अलॉट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी होगी, LTC मिलेगी आपको, बाहर जाने के लिए होम टाउन दिया जाता है, जिसमें आप जो है कि ट्रेन से जो है कि 3rd AC में जो है कि हर 8 साल तक कंटिन्यू जो है कि आप सफ़र कर सकते हैं, और उसके बाद 3 साल के ब्लॉक ईयर पर आप जो है कि ऑल इंडिया टूर भी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, अंडमान जा सकते हैं बाई फ्लाइट। आपको एयर फेयर जो है कि फैसिलिटी मिलेगा, और CGHS में मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत सारी फैसिलिटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एम्प्लाई को मिल जाती है, जो भी फैसिलिटी है सभी फैसिलिटीज में आपको मिलेगी। ये डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट कह सकते हैं, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम जिस भी डिपार्टमेंट हो वहाँ ग्रो करने की जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोटा मोटी यही सब था जो इस मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी जिसको मैं आप लोग के सामने बताया। और उसके बाद आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कि कई तरह से जो है कि आपको बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी भी मिल जाएगी, ऑफिसेस अच्छा होते हैं, जहाँ भी होंगे सिटीज में ही होंगे, या आपको गांव में या लोकल लेवल पर नहीं मिलेगा, जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा वो रूरल एरिया नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट एरिया तो कम से कम होगा, और उससे ज़्यादा आपका कैपिटल होगा, कोई सिटी का कैपिटल होगा, या फिर आपका जो है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो भी जहाँ भी होते हैं सभी ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो
तो इस वीडियो में बस इतना ही था जिसके बारे में आपको बताया, और आप लोग को जो भी कमेंट्स इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मेरे हिसाब से सभी सॉल्व हो गया होगा। और नॉमिनेशन वगैरह के बारे में बता दूं फिर से कि बहुत सारे कमेंट्स आए, नॉमिनेशन जो है कि आप लोगों का जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट जो है कि अपना जो वर्क है वो करेंगे, और धीरे धीरे जो है कि आपका डिपार्टमेंट जो है कि ज्वाइनिंग लेटर भी आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का नॉमिनेशन हो चुका है, जिनका दिखा चुका है, वो कम से कम महीने भर के अंदर कम से कम टारगेट रखे कि ज्वाइन लेटर आ सकता है। और ज्वाइनिंग लेटर ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर, वो डिपार्टमेंट जितनी जल्दी चाहे, जब चाहे, मतलब जितना जल्द क्विक सर्विस में बुला ले, उसकी इच्छा है, उसका मर्जी होता है, तो डिपार्टमेंट इस पर अपना जितना जल्दी कर दे। लेकिन आप लोग पोस्ट ऑफिस के टच में जरूर रहिए, या आपके जो भी पोस्टमैन वगैरह हैं उनसे टच में रहिए, आप जो है कि अपनी एक्टिविटी बढ़ा दे, ताकि कभी भी ज्वाइनिंग लेटर जो है कि आ सकता है इन मैंने मेरे हिसाब से। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जहाँ तक मेरे हिसाब से मैं पूरा ट्राई किया बताने का, वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, फॉर मोटिवेशन प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी लोगों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, और उनकी भी जो क्यूरियसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, मेनी मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ कैंडिडेट्स। थैंक यू।